हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे स्टैटिक जीके के अंदर टॉपिक को देखा है। हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाने के पहले इस वीडियो कोर्स के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं। ये वीडियो कोर्स बेसिकली पिनाकल टीम के द्वारा आप सभी स्टूडेंटों के लिए लाया गया है। इस वीडियो कोर्स में हम लोग एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। चूँकि आप जानते हैं SSC में इस बार जनरल स्टडीज़ का जो इम्पोर्टेंस है, जो वेटेज है, वो काफ़ी बढ़ गया है। काफी क्वेश्चंस आएंगे जनरल स्टडीज से आपके आने वाले एग्जाम में। ये वीडियो कोर्स बेसिकली हमारी जो ब्लू बुक आती है, जो से आप लोग काफी अवगत होंगे, फैमिलियर होंगे, उसी का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन कोर्स है। अब अगर ये उसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन कोर्स है तो इसका फायदा क्या है? बेसिकली इसका फायदा ये है कि ये वीडियो जो कोर्स है, आपकी जो होराइजन है और आपकी जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसमें इजाफा करेगा। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जब हमारा जनरल स्टडीज का हो जाता है तो हमारे जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें हमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम अपने थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी कर लेंगे जो कि उस समय पॉसिबल नहीं दिखेगा। ये वीडियो कोर्स बेसिकली मैंने बताया कि आपके पास जो अवेलेबल ब्लू बुक है पिनाकल की, उसी का एक डिटेल कोर्स है। वो बुक और ये वीडियो कोर्स जो भी स्टूडेंट्स, हमें ये विश्वास है कि फुल्ली अच्छे ढंग से कवर करेगा। उसका जो स्कोर है वो टायर 1 हो या टायर 2 हो, दोनों में बहुत अच्छा होना तय है। तो मुझे आशा है कि आपके पास ये दोनों सोर्स अवेलेबल हो। प्लीज कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। जो आपके पास बुक है उसका बहुत डिटेल ढंग से आप अंडरस्टैंडिंग से उसको अध्ययन करें। उसके बाद इस वीडियो कोर्स को भी अच्छे से आप इसको कवर करें। ये वीडियो कोर्स आप हमारे वेबसाइट से या हमारे एग्जाम प्रिपरेशन ऐप से परचेज कर सकते हैं। और वो जो किताबें हैं, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, ये जो किताबें हैं हमारी, आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये किताबें इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों भाषाएं में हर एक बुक स्टोर पे ऑलमोस्ट उपलब्ध है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बुक नहीं मिल पा रही है, तो मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है, प्लीज़ आप हमारे वेबसाइट से आके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। चूँकि अब बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम संभावित है और जो सीट्स है आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। बहुत खुशी का बात है कि हमारी जो एग्ज़ाम में सीट्स इस बार बहुत ज़्यादा है। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी अच्छा लगा हमारे स्टैटिक जीके के अंदर। हम लोग अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। उसके बाद हम लोग फेस्टिवल्स को देखेंगे। इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हर एक जगह एक यूनिक वे ऑफ फेस्टिवल है, एक यूनिक वे ऑफ कल्चर है। ठीक है, तो उन सारे कल्चर को, उन सारे फेस्टिवल को भी आज हम लोग कुछ क्वेश्चन उसका अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किया है उसके कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो उसको हम लोग आगे आज देखते हैं। ठीक है, तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो है पंडित स्वपन चौधरी इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट? पंडित स्वपन चौधरी किस यंत्र से जुड़े हैं? बताइए, पंडित स्वपन चौधरी किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोग में से जो भी लोग तबला कह रहा है, तबला इज राइट आंसर। तो पंडित स्वप्न चौधरी जो है ये एक तबला वादक है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करना है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख भी रहे हो तो आपकी जो मेमोरी है, जो विजुअल मेमोरी है, वो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है चारों ऑप्शन में, उसमें एक गलत है। आपको गलत जो है वो आइडेंटिफाई करना है। बताइए, कुमार गंधर्व गिटार, जिया मुद्दीन डागर रुद्रवीणा, कादरी गोपालनाथ सैक्सोफोन और बॉम्बे जयश्री वोकलिस्ट। बताइए, इसमें आपको गलत बताना है। ठीक है, कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है वो है कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व गिटार नहीं बजाते हैं, बेसिकली हिंदुस्तान क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, सिंगर हैं। ठीक है, कुमार गंधर्व जो हैं वो हिंदुस्तान वोकलिस्ट हैं। ठीक है, वोकलिस्ट। अच्छा, इनके बारे में एक यूनिक चीज और है, ये किसी घराना से नहीं जुड़े हैं। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विथ एनी घराना। ठीक है, ये किसी घराना से नहीं जुड़े हुए, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ घटम इज अ, घटम एक। देखिए, बेसिकली घटम का डेफिनेशन आपसे पूछा जा रहा है। घटम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों में से कई लोगों को ये पता होगा कि घटम किस तरह का दिखता है। उसी का अभी 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि घटम को कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करता है। A, B, C, D। बताइए, क्या ये बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है? हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो एक तंबू जैसा दिखता हो? और सी, लकड़ी और धातु से बना सुशीर यंत्र या चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना तबला? बताइए घटम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? ये एसएससी सीजीएल 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्लीज एक्सप्लेन, बताइए कौन सा क्या होगा इसका आंसर। तो बेसिकली घटम जो है इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन होगा वो इसका है ए। ठीक है, बेसिकली घटम जो है एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। ठीक है, एक मिट्टी का बर्तन होता है और इसको तबले के रूप में उसको हिट करके बजाया जाता है। ठीक है, जैसे तबला बजाया जाता है, लेकिन ये घटम जो है वो मिट्टी का बर्तन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिड द्वारम वेंकटस्वामी नायडू प्ले? द्वारम वेंकटस्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? बताइए, वायलिन, मैंडोलिन, वीणा या नाद स्वरमी? नाद स्वरमी बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है वायलिन। ठीक है, अच्छा, बहुत एक पॉपुलर मैंडोलिन, ये तो आपको याद हो गया वायलिन। ठीक है, ये जो द्वारम वेंकटस्वामी है नायडू, ये वायलिन आपको याद रहेगा। ठीक है, बहुत पॉपुलर एक मैंडोलिन प्लेयर है, क्या आप बता सकते हैं ये मैंडोलिन प्लेयर कौन है बहुत पॉपुलर? तो इनका नाम है यू श्रीनिवास। यू श्रीनिवास ये भी बहुत पॉपुलर मैंडोलिन प्लेयर हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से एक बहुत प्रख्यात मैंडोलिन प्लेयर हैं, तो आपको क्या नाम याद रखना है? यू श्रीनिवास। ठीक है, अच्छा, वीणा प्लेयर भी एक बता सकते हैं आप क्या? वीणा प्लेयर बहुत पॉपुलर है, वीणा प्लेयर बहुत पॉपुलर है, इनका नाम है असद अली खान। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर वीणा प्लेयर है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्क्यूजन इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा ताल या आघातवाद नहीं है? ताल या आघात, अच्छा, पर्क्यूजन या ताल या आघातवाद जो ये वाद है वो, इससे आप क्या समझते हैं? पर्क्यूजन इंस्ट्रूमेंट से आप क्या समझते हैं? देखिए, पर्क्यूजन इंस्ट्रूमेंट वैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको ठोक के मतलब बजाते हैं। ठीक है, उसको जैसे कि शहनाई हो गया, शहनाई हो गया, बांसुरी हो गया। ठीक है, तो इट इज नॉट ए पर्क्यूजन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे किसी से हाथ से ठोक के बजाते हैं, जैसे कि तबला, ये पर्क्यूजन इंस्ट्रूमेंट है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक है जो पर्क्यूजन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो आप बताइए किसमें से जो है, इसमें से घटम हमने डिस्कस किया, अभी तबला भी हमने डिस्कस किया, मृदंगम और सरोद। ये बताइए इसमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजा के मतलब किसी से बीट करके, जिसे हाथ से बीट करके या कोई इंस्ट्रूमेंट से बीट करके नहीं बजाते हो। तो ये काफी आसान हो गया जब इसका डिफिनेशन आपको पता चल गया, इसका परिभाषा अगर आपको पता चल गया, इसका आंसर मुझे लगता है काफी आसान हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सरोद। ठीक है, सरोद जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको ठोक के या बजा के, हाथ से इस्तेमाल करके या बीट से इस्तेमाल करके नहीं बजाते हैं। ठीक है, बाकी जो तबला, घटम, मृदंगम है उसमें हाथ का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज मंगल वाद्य? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, शहनाई, तबला, संतूर या डमरू? डमरू काफी पॉपुलर है, आपने अमूमन डमरू, एक तो हम संगमा की पूजा करते हैं उनके हाथ में देखते हैं, नहीं तो आप अपने गांव में मदारियों के हाथ में डमरू देखे होंगे, है ना? बताइए इसका आंसर क्या पूछता है? ये पूछता है मंगलवाद्य। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली आंसर होगा वो होगा शहनाई। शहनाई को हम मंगलवाद्य भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग में से कई लोगों का मैं देखता हूं कि बहुत सही आप लोग आंसर मार्क करते हो, तो इट इज वेरी गुड। और अगर आप सारे वीडियो से देखोगे तो आपका रिविजन भी हो जाएगा, लेकिन इससे ये पता चलता है कि आप लोग में से कई लोगों का जो तैयारी है वो काफी अच्छी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपका सिलेक्शन, बहुत अच्छा चांस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। प्लीज कंटिन्यू। बताइए, अ डिस्टिंक्ट ध्रुपद स्टाइल इज एसोसिएटेड विद द विच घराना? ठीक है, एक विशिष्ट ध्रुपद शैली किस घराने से जुड़ी है? बताइए, अजरदा, नाथद्वारा, जाफरबाखी या विष्णुपुर? किस घराने से जुड़ा है ये? ठीक है, ध्रुपद स्टाइल, ये जो ध्रुपद स्टाइल है, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो होगा विष्णुपुर घराना। ठीक है, विष्णुपुर घराना से ये एक डिस्टिंक्ट ध्रुपद स्टाइल जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्रुपद शैली जो है। अच्छा, एक बहुत प्रख्यात ध्रुपद प्लेयर का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे आप इनका नाम जानते होंगे? तानसेन। आप सब लोग तानसेन के बारे में सुने होंगे, तो ये बहुत पॉपुलर ध्रुपद प्लेयर थे, ठीक है, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following instrument is normally played in a vertical position and with an arched bow? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र समान रूप से एक ऊर्ध्वाधार स्थित में और एक धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? ठीक है, धनुष के आकार में बजाया जाता है, धनुष का जैसा आकार होता है वैसा इस यंत्र का आकार होता है, उसे बजाया जाता है। बताइए, सितार, सारंगी, शहनाई या वीणा? तो बेसिकली ये जो आकार है, ये एक धनुधार आकार, ये आकार होता है सारंगी का, ठीक है। आपने अगर सारंगी देखे होंगे तो आपने देखा होगा सारंगी का आकार थोड़ा यूनिक होता है और वो धनुष के आकार का थोड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इज पुनु योक्सी अ सोर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट यूज ड्यूरिंग सेरेमोनियल डांस परफॉर्म बाई प्रीस्ट? पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला तलवार जैसा वाद पुनु योक्सी किस राज्य में है? आपको राज्य का नाम बताना है जहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका सोर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बताइए, पुनु योक्सी। आपको याद कैसे करना है, पूरे क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, बेसिकली आपको ये से नाम याद करना है, ठीक है। पुनु योक्सी याद करना है, ठीक है, पुनु योक्सी से आपको स्टेट का नाम याद करना है, तो ऐसे आपको रिमेम्बर करने में, वहाँ पे रिकॉल करने में काफी आसानी होगी। बताइए, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? सारे प्रदेश हैं, बताइए। इसका जो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, वाइड गेसेस नहीं करने हैं लेकिन इंटेलिजेंट गेस करने हैं। ये जो नाम है इससे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को तो आराम से काटा जा सकता था, ठीक है, ये दो ऑप्शन आप आराम से काट सकते थे। फिर आपके पास दो ऑप्शन बचता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इसमें भी अगर आप गेस करोगे तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे हिंदी के नाम है। ये पुनु योक्सी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ नॉर्थ ईस्ट का टाइप का नाम है, तो यहाँ पे आप आराम से इजिली एक अरुणाचल प्रदेश का गेस कर सकते थे, ठीक है। वाइल्ड गेसेस नहीं करने हैं, मैं यही बोलता हूँ कि गेस भी वही कर सकता है जो पढ़ के जाएगा, बिना पढ़े आप गेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कमाइचा इज अ बोर्ड फ्लूट प्लेड बाई मंगानियर्स ऑफ। कमाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो कि मंगनियार द्वारा बजाई जाती है, ठीक है, मंगनियार जो लोग हैं उनके द्वारा बजाई जाती है। कमाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी होती है, इसको बजाया जाता है। ये कहाँ बजाया जाता है, पश्चिम राजस्थान, पश्चिम गोवा, पश्चिम बिहार या पश्चिम केरल? बताइए, वेस्ट राजस्थान, वेस्ट गोवा, वेस्ट बिहार या वेस्ट केरला? इसका जो राइट आंसर है वो है यस, एग्जैक्टली, गुड, वेरी गुड। जिसका भी है ए वेस्ट राजस्थान, वो बिल्कुल सही है, ठीक है, वेस्ट राजस्थान में ये बजाया जाता है मंगनियार कम्युनिटी द्वारा, ठीक है। और इसका जो कहते हैं, इसको कहते हैं कमाइचा, ठीक है, ये याद रखना है। कमाइचा से पूछा जा सकता है कि कमाइचा किस राज्य का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आप इसको वेस्ट राजस्थान या राजस्थान ऑप्शन रहेगा तो राजस्थान मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंकारा इज अ स्पेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। चिंकारा एक स्पेस संगीत वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय है, ठीक है। तो ये कैसा यंत्र है, प्लेट है, मेम्ब्रेन है, स्ट्रिंग है या विंड है? बताइए, चिंकारा। अगर आपको चिंकारा पता होगा तो आप बता सकते हैं इसका आंसर फटाफट। तो बेसिकली ये एक स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तार वाला, इसमें तार लगी रहती है, ठीक है, चिंकारा। आप देखोगे काफी खूबसूरत और मेलोडियस वॉइस है चिंकारा का। चिंकारा का म्यूजिक आप सुनोगे तो काफी, मतलब आपको एक खुशी प्रदान हो, आपको अच्छा रहेगा सुन के। आप प्लीज इसको ट्राई कीजिए, मैं तो यही कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जब भी कभी लगे ये समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन चिंकारा समझ नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पे सर्च करके 1 मिनट का एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो चिंकारा बेसिकली जो है ये एमपी के एक प्रधान कम्युनिटी है, ठीक है, प्रधान कम्युनिटी, इनके द्वारा एमपी में बजाया जाता है, ठीक है। और ये चिंकारा जो है ये बेसिकली राजस्थान में भी मियो कम्युनिटी के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। आजकल इंस्ट्रूमेंट काफी पैन इंडिया हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं नॉर्थ इंडिया के जो सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देखते हैं एमपी का जो हो गया ये प्रधान कम्युनिटी है राजस्थान का मियो कम्युनिटी। ठीक है, चिंकारा याद रहेगा आपको, स्ट्रिंग है तार वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाज द म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड। काफी आसान क्वेश्चन है, बेसिकली बिस्मिल्लाह खान किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े थे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम या सितार। काफी इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं इसको। शहनाई से जुड़े थे बिस्मिल्लाह खान, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The traditional binding instrument called Pena is related to which of the following state? Pena नामक पारंपरिक बंधन साधन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? Pena जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, वो किस राज्य का है ये बताना है आपको। सिक्किम, केरला, गोवा, मणिपुर, बताइए। Pena, ठीक है, तो पेना जो है बेसिकली वो मणिपुर से। ठीक है, और इसका एक और नाम है पेना का, वो है टिंगटेलिया, टिंगटेलिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, पेना को तो याद रखिएगा, पेना इज मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने तुरंत स्ट्रिंग का देखा था कभी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब तार वाला इंस्ट्रूमेंट, जिस भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तार लगा है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय मंगनियार्स ऑफ वेस्ट राजस्थान। अभी हमने तुरंत देखा था इस क्वेश्चन को, ये एक बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पश्चिम राजस्थान के मंगनियार द्वारा बजाया जाने वाला तार वाले वाद्य यंत्रों का एक उदाहरण है? सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, फटाफट आंसर बताइए इसका। अभी हमने देखा है कमाइचा के बारे में पढ़ा है, तो बेसिकली इसका आंसर कमाइचा ही है। ठीक है, कमाइचा, ये राजस्थान के मंगनियार्स कम्युनिटी है वो इसको बजाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करताल फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। अच्छा, जो करताल है इसको आप लोग जानते होंगे, करताल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो यही बोल रहा है कि राजस्थान का जो करताल इंस्ट्रूमेंट है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, आपकी कैटेगरीज आपके सामने है, इलेक्ट्रोफोन, मेम्ब्रेनोफोन, कार्डोफोन या इडियोफोन। ठीक है, ये चारों एक तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्रकार हैं, ग्रुप हैं, इसके अंदर ये सब इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बहुत सारे। तो आपको ये बताना है कि करताल किसके अंदर आता है, तो करताल बेसिकली है, बताइए फटाफट। तो जिसका भी आंसर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो करताल है वो आइडियोफोन्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, करताल जो है ये पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है और उसके बाद से जो वॉइस, जो आवाज निकलता है, जो साउंड निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, वही इसका म्यूजिक होता है। ठीक है, उसका अपना साउंड होता है, वही करताल का साउंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज द म्यूजिशियन पंडित शिव कुमार शर्मा एसोसिएटेड। सिंपल क्वेश्चन है, संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ढोलक, सारंगी, संतूर या सरोद। तो बेसिकली पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये एक संतूर वादक है। ठीक है, संतूर वादक, संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा इज अ संतूर प्लेयर। ठीक है, संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेस इज अ सिंगल स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड यूजिंग बैम्बू एंड अ गुड मोस्टली यूज बाई ट्रेडिशनल फोक सिंगर इन महाराष्ट्र। वह कौन सा यंत्र है जो एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस और तुम्बी का प्रयोग करके बनाया जाता है तथा अधिकांशतः महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक गायकों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, एक तार वाला इंस्ट्रूमेंट है पहली बात, दूसरा यह है कि यह महाराष्ट्र में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। इडाक्का, इकलम, इसराज और इकतारा। तो बेसिकली आप देखिए, यही मैं कहता हूं कि अगर आपने माइंड को थोड़ा सा इस्तेमाल करोगे ना, मतलब पीसफुल ढंग से आप क्वेश्चन देखोगे, घबराना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, एकदम शांति से, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सब चीज को पढ़ा है। जो भी स्टूडेंट एक थोड़ा सा सीरियस है वो ऑलमोस्ट हर एक चीज को पढ़ा होता है। क्वेश्चन को आराम से जब कभी कभी पढ़ते हैं तो उसी में हमारा आंसर होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। एक एकल तार वाला संगीत वाद्य, एकल तार वाला मतलब सिंगल इंस्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ देखिए इकतारा लिखा हुआ है, इकतारा इसका भी राइट आंसर इकतारा ही है। अगर आपको नहीं भी पता है आंसर और आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई करोगे तो आपके आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक एक मार्क्स से सिलेक्शन रुकता है और सिलेक्शन हो जाता है, तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज द म्यूजिशियन पालघाट मानी अय्यर एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संगीतकार पालघाट मणि अय्यर संबंधित हैं? मृदंगम, फ्लूट, सितार या शहनाई। बताइए, मृदंगम, फ्लूट, सितार या शहनाई। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है मृदंगम। ठीक है, मृदंगम। ठीक है, ये जो संगीतकार पालघाट मणि अय्यर थे ये मृदंगम से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज वाज अ फेमस तबला प्लेयर। इसमें से कौन से एक बहुत प्रसिद्ध तबला वादक थे? टी एन कृष्णन, भीमसेन जोशी, अल्लाह रखा, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया हमने डिस्कस किया था पहले, इनफैक्ट भीमसेन जोशी, अल्लाह रखा भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने डिस्कशन पहले वाले ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर बताना आपके लिए काफी आसान है। इनफैक्ट 2, 3, 4 बार हमने उनको डिस्कस किया है। इसका जो राइट आंसर है वो है अल्लाह रखा। ठीक है, अल्लाह रखा जो है एक फेमस तबला प्लेयर है, इज अ वेरी फेमस तबला प्लेयर। ठीक है, बहुत इनके पुत्र हैं वो भी एक बहुत फेमस तबला प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्लूट प्लेयर। निम्नलिखित में से कौन से बांसुरी वादक हैं? बताइए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है और मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप प्लीज ध्यानपूर्वक सारे वीडियो को देखिए, ऑलमोस्ट आपको देख देख के ही सारे वीडियो आपको याद हो जाएंगे। प्लीज अभी 2-3 मिनट टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोग 2-3 महीना पढ़ लोगे, आगे लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर ये नेक्स्ट 1-2 महीना आपने वेस्ट किया, बहुत टफ लाइफ हो जाएगा, बहुत स्ट्रगल हो जाएगा। मेरी बात को मानिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अल्टीमेटली उनको कुछ नहीं मिलता है, एक साइकिल में फंस जाते हैं, हमेशा फेल, हर एक साल फेल होते रहते हैं। तो प्लीज इस साइकिल से बाहर निकलिए। 30,000 से ज्यादा वैकेंसीज होने के आसार है SSC में। ठीक है, अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, फिर भी उम्मीद लगाई जा रही है कि वैकेंसी इस पर बहुत ज्यादा है। बताइए फ्लूट प्लेयर कौन है इसमें से? तो इसका जो राइट आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, हमने पहले भी इनको बारे में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा हु इज अ रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। शिव कुमार शर्मा के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। बताइए किस इंस्ट्रूमेंट से ये जुड़े हैं? अभी हमने तुरंत देखा है ये संतूर वादक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आपको हर एक चीज याद हो जाएगा। ठीक है, हमेशा प्लीज ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिनाउंड तबला प्लेयर इज अ सन, विच रिनाउंड तबला प्लेयर सन इज ऑल्सो अ फेमस तबला प्लेयर हु हैज कोलैबोरेटेड विद इंटरनेशनल बैंड्स। क्या ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है? मुझे लगता है कि ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किस प्रसिद्ध तबला वादक के बेटे भी एक तबला वादक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंड के साथ मिलकर कार्य किया है? बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, उस्ताद अमजद अली, उस्ताद अल्लाह रखा या उस्ताद राशिद खान। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है उस्ताद अल्लाह रखा। ठीक है, ये बहुत मशहूर तबला प्लेयर हैं, इनके पुत्र श्री जाकिर हुसैन वो भी एक बहुत मशहूर तबला प्लेयर है। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने ना बेसिकली ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आएगा तो हमने जो अभी तक डिस्कस किया है यहीं से आएगा, इसके बाहर से आने के चांसेस बहुत कम है। तो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा। अभी हम लोग आगे में फेस्टिवल्स को डिस्कस करेंगे। हमने बताया है कि मैंने आपको बताया है कि फेस्टिवल्स का जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया में अलग अलग स्टेट में और केंद्र शासित प्रदेश में बहुत ही डिफरेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग भी है जानने में और काफी रोचक भी होगा आपके लिए, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी लाभप्रद है, काफी आपके लिए हेल्पफुल है। तो आइए फेस्टिवल्स को आगे डिस्कस करते हैं। तो फेस्टिवल्स का पहला क्वेश्चन जो है वो है सूर्य क्लासिकल डांस फेस्टिवल इज हेल्ड इन। सूर्य क्लासिकल डांस फेस्टिवल जो है वो कहाँ होता है? 10 दिनों के लिए प्रत्येक वर्ष। ठीक है, सूर्य शास्त्री नेत्र महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या बता सकता है कोई मुझे पहला क्वेश्चन फेस्टिवल का? बताइए फटाफट। इसका जो राइट आंसर है वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में ये फेस्टिवल होता है। अच्छा, केरला के कुछ और फेस्टिवल हैं, क्या बता सकते हैं? ओणम आप लोग जानते होंगे, ओणम एक बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है केरला का ही। इसके अलावा पोंगल भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना? ओणम, पोंगल, एक बोट रेस आपने सुना होगा। ठीक है। बोट रेस जो आपने केरला में सुना होगा, काफी पतली नाव होती है और काफी रेस होता है उसका, तो ये भी एक तरह का फेस्टिवल है केरला का, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के स्पेस जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। मोढेरा डांस फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चरल फेनोमेनन इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात? बताइए, जूनागढ़, मेहसाना, अमरेली या आनंद? तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है मेहसाना, ठीक है। मेहसाना जो है वो एनुअल कल्चरल फिनोमेना है गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। मोढेरा डांस फेस्टिवल है, ठीक है, इसका नाम। तो मोढेरा डांस फेस्टिवल से आप ये याद रखेंगे। हो सके आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ना देखिए, वो लोग स्टेट भी पूछते हैं, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चार ऐसे स्टेट। तो आपको याद रखना है ये गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, छाऊ, एक बमनिया छाऊ फेस्टिवल होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है बता सकते हैं आप? छाऊ से मैंने बताया था आपको, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं छाऊ को, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। तो ये जो बेसिकली है ये वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है, ठीक है। खजुराहो आप लोग जानते हैं, खजुराहो आप लोग सब लोग ऑलमोस्ट जानते होंगे। खजुराहो कहाँ पे है? खजुराहो फेस्टिवल जो है वो एमपी में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक कोणार्क डांस फेस्टिवल मनाया जाता है, कोणार्क डांस फेस्टिवल। ये कहाँ पे है कोणार्क? कोणार्क उड़ीसा में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फेस्टिवल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फेस्टिवल पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा फेस्टिवल इज अ कल्चरल प्राइड ऑफ स्पेस among the dance and music festivals of India. भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव स्पेस का सांस्कृतिक गौरव है। कहाँ का, किस स्टेट का ये जो हाथी महोत्सव है वो एक गौरव है, ठीक है, सांस्कृतिक गौरव है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है इसका। केरला, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? बताइए। एलिफेंटा फेस्टिवल, ठीक है। एलिफेंटा केव अगर आपको पता है तो इसका आंसर इजली निकल जाएगा। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल आप सही हैं, जिसका महाराष्ट्र है, ये एक महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेल्ड इन द मंथ ऑफ, किस महीने द एलोरा अजंता डांस फेस्टिवल इज एन इंटरफेरेंस बिटवीन द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया? किस महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतर फलक है? आपके ऑप्शंस हैं अप्रैल, फरवरी, जनवरी या मार्च। क्या पूछा जा रहा है? अजंता, एलोरा अजंता डांस फेस्टिवल, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है जनवरी महीने में मनाया जाता है, ठीक है, जनवरी महीने, ठीक है। अच्छा, अजंता का जो पेंटिंग है, पेंटिंग अजंता या एलोरा, आपको पता होगा कि दोनों जगह की पेंटिंग है वो यूनेस्को लिस्ट में शामिल है, ठीक है। यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है और ये सिंस 1983 से है, ठीक है। 1983 से ही अजंता और एलोरा की पेंटिंग है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोणार्क डांस फेस्टिवल इज हेल्ड एट एन ओपन एयर ऑडिटोरियम इन द बैकड्रॉप ऑफ द विच इज द ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा। आपको ये बताना है कि कहाँ पे बेसिकली ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल है ये? कोणार्क डांस फेस्टिवल, ठीक है। और ये कैसे होता है? ओपन एयर ऑडिटोरियम होता है और बैकड्रॉप ऑफ विच टेम्पल, ठीक है, श्री सोमनाथ टेम्पल, सन टेम्पल, गुरु वायूर टेम्पल या कामाख्या मंदिर? बताइए। तो इसका बेसिकली जो राइट आंसर है वो है सन टेम्पल, ठीक है, सन टेम्पल है। और सन टेम्पल जो है वो भी यूनेस्को के यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, इसको भी आप लोग को मेमोराइज करके याद रखना है, ठीक है। अच्छा, सोमनाथ टेम्पल कहाँ है बता सकते हैं? एनीवन फ्रॉम गुजरात? यस, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में, ठीक है। ये गुरुवार मंदिर कहाँ है? ये केरला में, ठीक है, ये केरला में। और कामाख्या टेम्पल आपने सुना होगा, ये बहुत पॉपुलर टेम्पल है कामाख्या। और बेसिकली अघोरी लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे डेड बॉडीज की भी पूजा की जाती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो एक तरह से काफ़ी मिस्टीरियस टेम्पल है ये और काफ़ी मान्यता है इस टेम्पल का, काफ़ी लोग पूजा करते हैं और भारत के कई स्थान से कामाख्या टेम्पल लोग जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइब्स ऑफ निकोबार आइलैंड pay their respect to the departed soul of the head of the family during the, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां जो हैं किस फेस्टिवल के दौरान या पूजा के दौरान अपने घर के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। बेसिकली इनके घर में कोई जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं उनकी मृत्यु होने के बाद उनको श्रद्धांजलि किस फेस्टिवल के दौरान देते हैं, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है असित पर्व, जगधात्री पूजा, गंजन महोत्सव या कल्प पर्व उत्सव। बताइए, ओज्योरी फेस्ट, जगधात्री पूजा, गंजन फेस्टिवल या कल्प उत्सव। ए बी सी डी। इसका जो राइट आंसर है वो है ओज्योरी फेस्ट, ठीक है, ओज्योरी फेस्ट। इसी के दौरान जो निकोबार के ट्राइब्स हैं अपने घर के जो मुखिया होते हैं, जो हेड हैं, जो कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके शांति के लिए और उनके रेस्पेक्ट में उनको ये बेसिकली एक पूजा करते हैं और ये जो जिस समय करते हैं उसको ओज्योरी फेस्ट जो एक फेस्टिवल है उस दौरान करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक तो ओज्योरी फेस्ट ये भी पूछा सकता है कि ये कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है निकोबार आइलैंड, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, ये जगन्नाथ पूजा ये कहाँ होता है, ये होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, गंजम ये बेसिकली क्या है, ये एक हिंदू फेस्टिवल है, ठीक है, हिंदू फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में शिव पार्वती की पूजा होती है, ठीक है, शिव पार्वती की पूजा होती है, ठीक है, गंजम फेस्टिवल में, ठीक है, ये भी आपको याद रहेगा। और कलापत्रु उत्सव जो है बेसिकली ये एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल है किसका, मंक्स ऑफ रामकृष्ण मिशन का। रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण जो मठ है उसके जो मंक्स हैं, वो इस पूजा को करते हैं, ठीक है, कल्पत्रु उत्सव, ये भी याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकर विलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। मकर विलक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ लॉर्ड अयप्पा इन, किस स्टेट में मनाया जाता है इस फेस्टिवल को, बताइए फटाफट। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या केरला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरला, ठीक है, वो है केरला। केरला का मैंने आपको बताया था फेस्टिवल भी तुरंत, ओणम, एक टेंपल फेस्टिवल भी केरला में मनाया जाता है, ठीक है, टेंपल फेस्टिवल भी केरला में मनाया जाता है। जो जो चीज मैं बताऊं याद करते चलना है आपको। बोट फेस्टिवल भी मैंने आपको बताया केरला में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लैशिंग द मड एंड रेसिंग अक्रॉस द फील्ड, The roaring buffaloes raised by a man are typical sight for which of the following festival of Karnataka? काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी न्यूज में रहा है, ठीक है, पिछले तकरीबन 7-8 सालों से। मिट्टी के छींटे मारना और खेतों में दौड़ना, एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों के साथ दौड़ना, ठीक है, गर्जने वाली भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए विशेष दर्शनीय स्थल है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी न्यूज में रहा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आप लोगों से जितने भी कोई भी जो कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हुआ वो बता सकता है। बताइए इसका आंसर। एक्सक्यूज मी। बेसिकली इसका आंसर आप लोग जो भी कह रहा है कंबाला, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कंबाला को बैन कर दिया था, किसके साथ, जलिया कट्टू के साथ, ठीक है। जलिया कट्टू में भी आप देखेंगे कि पशुओं को दौड़ाते हैं, ठीक है, और उसको मारते हैं। तो बेसिकली पीटा एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पशुओं को और पक्षियों के लिए काम करता है, उनको कहना है कि बेसिकली ये जो है एक क्रूएल्टी है, आप जो है आप पशुओं को तंग कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था। लेकिन 2017 में जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला, ठीक है, ऑर्डिनेंस निकाला और उस ऑर्डिनेंस में बहुत सारे एनिमल्स पे बैन किया गया और उस बैन के साथ साथ जो ये कंबाला था इसको उस बैन में नहीं रखा गया, तो बेसिकली इसको अलाउ कर दिया गया, तो उसमें से फिर से इसको अलाउ कर दिया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा देख लेते हैं। ये जो फेस्टिवल है ये जैन्स का फेस्टिवल है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। महामस्तकाभिक्षा जो है वो जैन्स का फेस्टिवल है, और ये जो है ये भी जो है वो जैन और हिंदू टेम्पल को कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मी डम मी फी इज एन एंसेस्टर वर्शिप फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। मी डम मी फी जो है एक पूर्वज पूजा उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम या गोवा? तो इसको जो है बेसिकली आसाम में मनाया जाता है। आसाम के बाकी फेस्टिवल का नाम बता सकते हैं? बिहू, बैसागु, बाइखो, अंबू, बासी मेला। ये सब जो कुछ फेस्टिवल हैं ये आसाम के हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम के कौन सा त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन हैं। सिक्किम के कौन से फेस्टिवल को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है? बराहिमजोम, लोसर, इंद्र जात्रा या सकेवा? फटाफट आंसर बताइए। बराहिमजोम, लोसर, इंद्र जात्रा या सकेवा? बिल्कुल सही। आप लोग में से जो को भी सकेवा बोल रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अच्छा, ये जो है ये भी सिक्किम का फेस्टिवल है। ठीक है, लोसार जो है ये लद्दाख का फेस्टिवल है, लद्दाख का फेस्टिवल है, और इंदिरा जात्रा जो है ये नेपाल का फेस्टिवल है। ठीक है, ये नेपाल का फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज हेल्ड ऑन ए न्यू मून डे? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? अमावस्या के दिन, महावीर जयंती, काली पूजा, दशहरा या होली? तो अमावस्या के दिन बेसिकली काली पूजा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांगकेन इज ए फेस्टिवल ऑफ द। सांगकेन किसका फेस्टिवल है? जैन्स का, बुद्ध का, क्रिस्ट का या सिख का? बताइए, जैन, बुद्धिस्ट या सिख या क्रिश्चियन? सांगकेन तो बेसिकली ये जो है ये बुद्धिस्ट का फेस्टिवल है। अतः बुद्धिस्ट का और फेस्टिवल क्या क्या है? एक होता है बुद्ध पूर्णिमा जो कि काफी पॉपुलर फेस्टिवल है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा काफी पॉपुलर फेस्टिवल है। इसके अलावा लोसार फेस्टिवल भी बुद्ध द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, लोसार फेस्टिवल। फिर एक लुम्बनी भी मनाया जाता है। ठीक है, लुम्बनी फेस्टिवल भी मनाया जाता है बुद्ध द्वारा। लुम्बनी में महात्मा जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए लुम्बनी फेस्टिवल भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज द फटोरपा यात्रा सेलिब्रेटेड? भारत के किस राज्य में फटोरपा यात्रा मनाया जाता है? बताइए। तो ये जो मनाया जाता है वो गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, फटोरपा यात्रा फेस्टिवल। ठीक है, ये भी याद रखेगा। गोवा में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, वो है नंदा देवी। ठीक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस इज एन एनुअल 3-day फेस्टिवल हेल्ड एट बारह शहीद दरगाह इन नेल्लोर। नेल्लोर में बारह शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली 3 दिवसीय महोत्सव है। भेल्दिया, बैसागु, अली ए लिंगंग या रोटेला पंडुंगा? बताइए, काफी यूनिक नेम है। नेल्लोर में बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष एक दरगाह है। ठीक है, बड़ा शहीद दरगाह नेल्लोर में। ठीक है, वहां आयोजित होने वाले 3 दिवसीय महोत्सव का नाम क्या है? ठीक है, 3 दिवसीय महोत्सव। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, ये आप जान जाइए पहले, ठीक है। नेल्लोर जो है वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है रोटेला पंडुका, ठीक है। रोटेला पंडुका जो है वो 3 दिवसीय महोत्सव है जो कि नेल्लोर आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The festival of Durga Puja is observed to celebrate the triumph of goddess Durga over. दुर्गा पूजा का त्यौहार किसके ऊपर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा बताइए आंसर फटाफट। जरासंध, रावण, हिरण्यकश्यप या महिषासुर? बहुत लोग रावण महिषासुर में कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महिषासुर, ठीक है, महिषासुर। रावण को भगवान श्री राम ने मारा था, ये महिषासुर इसका राइट आंसर, ठीक है। और जानते हैं दुर्गा पूजा नॉर्थ इंडिया का मेजर फेस्टिवल है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? विशु, फूलदेई, ढोल यात्रा या नुआखाई? बताइए फटाफट प्लीज आंसर। उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में मनाया जाता है ये चारों में से कौन से फेस्टिवल, चारों में से कौन से फेस्टिवल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फूलदेई, ठीक है। फूलदेई जो फेस्टिवल है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है और इसको बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, ठीक है। फूलदेई फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। विशु जो है वो याद रखेंगे आप केरला में मनाया जाता है, ठीक है। विशु जो है वो केरला में मनाया जाता है। ये जात्रा वाला जो है ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। और नुआखाई जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। तो चारों आपको याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कोडावा कम्युनिटी, हम लोग कोडावा कम्युनिटी के क्वेश्चंस पहले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को इसका आंसर याद है। The Kodava community of Kurg worship weapons during the which festival? जो कोडावा कम्युनिटी है कुर्ग के, वो किस फेस्टिवल के दौरान विपन्स को पूजा करते हैं? बताइए, मडाई, कैलपोद, थाई पुसाम या भगोरिया? तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है काइलपोद, ठीक है। कैलपोद के दौरान ये जो है विपन्स का पूजा करते हैं। कौन लोग करते हैं? कोडावा कम्युनिटी, कोडावा समुदाय जो है वो ये पूजा करती है, ठीक है, काइलपोद के समय, ठीक है। काइलपोद फेस्टिवल जो उनका होता है उस समय। तो बेसिकली काइल का जो मतलब होता है वो होता है विपन और पोद का मतलब होता है फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज ए फेस्टिवल ऑफ गालो ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल एवरी ईयर? जो गालो ट्राइब्स हैं अरुणाचल के वो अप्रैल हर एक साल ये फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है, अप्रैल। ये आपको याद, एक तो चीज ये याद होगा आपको कि गालो ट्राइब्स जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। बाकी ट्राइब्स हम लोग ज्योग्राफी में सारे करेंगे, लेकिन फिर भी जो भी आपको याद होता चलता है वो प्लीज याद करते चलिए। गालो ट्राइब्स जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं, वो अप्रैल महीना में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? बताइए, डोल यात्रा, अलिये लिगांग, मोपिन या दी अमीफी? दी अमीफी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, बताइए आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है मोपिन, ठीक है, वो इसका राइट आंसर है वो है मोपिन, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, राइस का पाउडर, चावल का जो पाउडर होता है वो एक दूसरे के चेहरे पे लगा के इस फेस्टिवल को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th डे आफ्टर विच नवरात्रि? ठीक है, बहुत सारे नवरात्रि होते हैं। द 10th डे आफ्टर विच नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड? दशहरा और विजयदशमी? काफी अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये बताइए, जो दशहरा होता है हमारा 2 अक्टूबर महीने मनाया जाता है, वो 10वें दिन किस महीने के बाद मनाया जाता है? मतलब वो कौन सा महीना है? कौन, क्या शरद है या आषाढ़ है, चैत है या माघ है? बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। शरद नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, चैत नवरात्रि या माघ गुप्त नवरात्रि? तो बेसिकली यस, बिल्कुल आप लोगों से जिसका भी आंसर शरद है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये शरद नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कोडावा कम्युनिटी ऑफ कुर्ग, ठीक है। कुर्ग के कोडावा कम्युनिटी का फसल उत्सव, हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? बताइए, अभी कोडावा कम्युनिटी पर हमने एक क्वेश्चन और देखा था इसके पहले, ये एक क्वेश्चन और आ गया। बताइए फटाफट, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो वो फिर से रिपीट हो सकता है, तो प्लीज उसको ध्यान से करेंगे। बताइए, इसका जो राइट आंसर है वो है पुत्री। ठीक है, पुत्री, जो पुत्री इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कोडावा कम्युनिटी ऑफ कुर्ग। ठीक है, कोडावा कम्युनिटी का जो पुत्री है ये आप लोग याद रखेंगे, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल। Which of the following Indian festival is celebrated by suspending a pot containing butter, curd, etc. high above the ground with people trying to break it by forming human pyramid? कितना बढ़िया और इजी क्वेश्चन है। बेसिकली पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार मक्खन, दही आदि वाले बर्तन को जमीन से ऊपर लटकाकर मनाया जाता है, जिसमें लोग मानव पिरामिड बनाकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में से ऑलमोस्ट हर एक लोगों ने इस त्योहार को देखा होगा, ये जो विजुअल्स है वो देखा होगा। बताइए वो कौन सा आंसर, रामनवमी, जन्माष्टमी, संक्रांति या उगाड़ी? यस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है जन्माष्टमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चंस काफी इजी हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जो क्वेश्चन कुछ टर्म्स है जो आपको थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, तो वो भी अगर बार बार आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन हमारे वीडियो में देखोगे, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आपको तो देखते देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, और मिलकर इस बार एग्जाम को क्लियर करना है। इस बार मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। प्लीज वर्क हार्ड कीजिए, और 2-3 महीने की बात है, एग्जाम्स आने ही वाले हैं। ठंडा का मौसम है, इससे बेहतर पढ़ाई का मौसम नहीं होता। आराम से रूम में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, जहां भी आप पढ़ते हो, काफी ध्यानपूर्वक से अच्छे से, अपने पास 2-3 ज्यादा मटेरियल भी नहीं रखना है। बहुत सारा मटेरियल आप इकट्ठा कर लोगे तो आपका ध्यान भटकेगा। इस बात को समझो, नए नए जो बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, वो बहुत सारे मटेरियल आते हैं। एक मटेरियल जो भी है, जैसे कि हमारी ये बुक है, जो ब्लू बुक है, वो उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अगर उसको आप लोग पढ़ भी रहे हो, अगर 4-5 बार रिवाइज नहीं करोगे तो उसको भी आप लोग कवर नहीं कर पाओगे, है ना। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जैन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर 8 days बाय द श्वेतांबर कम्युनिटी एंड 10 days बाय दिगंबर, दशालक्षण पर्व बाय दिगंबर कम्युनिटी। ठीक है, तो दोनों कम्युनिटी जो जैन के हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिन तक मनाया जाता है? ठीक है, ज्ञान पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा, नौपद ओली या पर्युषण त्योहार? बताइए, इसका जो राइट आंसर है वो है पर्युषण फेस्टिवल। ठीक है, इसको ये आप देख सकते हैं, बेसिकली दो गुटों में हम जानते हैं। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जैन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जैन बुद्ध सब पढ़ेंगे। ठीक है, दिगंबर कम्युनिटी और जो श्वेतांबर कम्युनिटी है, ये दो कम्युनिटी है और दोनों इस पर्व को मनाते हैं। ठीक है, दशालक्षण पर्व। ठीक है, दशहरा पर्व मनाते हैं। किस फेस्टिवल को मनाते हैं? वो है पर्युषण फेस्टिवल। ठीक है, तो याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following festivals is also known as मणिपुर न्यू ईयर? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार को मणिपुर के 9 वर्ष के नाम से भी जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, चोरा ओबा, हेकुरी, हिंडोगबा, गगगई या कुट। बताइए, थोड़ा सा यूनिक नेम है, फिर भी याद करना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। 30,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, लेकिन फॉर्म आप जानते ही हैं लाखों लाख में भरा जाता है, तो आप अगर डिफरेंट नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? ठीक है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बेसिकली है चेरा ओबा। ठीक है, चेरा ओबा। अच्छा, मणिपुर के कुछ और फेस्टिवल का नाम देख लेते हैं, जैसे कि गैंग नगाई, ये भी एक फेस्टिवल है। उसके बाद है लुई नगाई नी। ठीक है, इसके अलावा याओ सांग, ये सारे मणिपुर के फेस्टिवल है। ठीक है, यांगसांग, लुई नगाई नी और गैंग नगाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेस्टिवल कॉल्ड योसांग ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से योसांग नामक त्योहार को मनाया जाता है? बताइए, सिक्किम में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या मणिपुर में? यस, राइट, जिसका भी आंसर मणिपुर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और किसके द्वारा मनाया जाता है? ये हमने डांस वाले में इसको डिस्कस किया था, इस कम्युनिटी को। ये बेसिकली मेतई लोग के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, मेतई कम्युनिटी जो है, ट्राइब्स, उसके द्वारा मनाया जाता है। आपको याद है डांस में हमने मेतई डिस्कस किया था। ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस के भी जो आपने ध्यान से पढ़ा होगा, उससे आपको हेल्प होगा और आगे के क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इनकार्नेशन ऑफ विष्णु इज धनुयात्रा ऑफ उड़ीसा बरगाह डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड? उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? विष्णु के किस अवतार को धनु यात्रा ऑफ उड़ीसा जो है बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट का वो डेडिकेटेड है, बताइए। भगवान राम, भगवान वामन, भगवान वाराह या भगवान कृष्ण? तो बेसिकली इसका राइट आंसर है, बिल्कुल आप सही हैं, जो भी लोग लॉर्ड कृष्ण कह रहे हैं वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा? भगवान सूर्य के पत्नी का नाम उषा था, ठीक है, और ये फेस्टिवल जो है वो भगवान सूर्य के लिए किया जाता है। काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से बहुत लोगों को पता होगा। चेहुलम, चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा और बसंत पंचमी, बताइए। तो बेसिकली इसका राइट आंसर है वो है छठ पूजा। छठ पूजा बेसिकली एक बिहार का पर्व है, लेकिन अभी तो पैन इंडिया हो चुका है, और पैन इंडिया क्या, पैन वर्ल्ड हो चुका है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में भी मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी संक्रमणा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कावेरी संक्रमण जो है अक्टूबर महीने में किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। कावेरी संक्रमण अक्टूबर के किस माह में मनाया जाता है और किस स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक, बताइए। आपको याद रखना है ये कावेरी संक्रमण, ठीक है, ये तो मंथ ऑफ अक्टूबर वगैरह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये नाम पढ़ते ही आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटका। ये जो फेस्टिवल है कर्नाटका में मनाया जाता है। और आज का जो फेस्टिवल का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? गुड़ी पड़वा, होला मोहल्ला, धनु यात्रा, थिरुवोन्नम, बताइए। गुड़ी पड़वा, होला मथुरा, धनु यात्रा या थिरुवन्नम? इसका बेसिकली जो राइट आंसर है वो है धनु यात्रा, ठीक है। धनु यात्रा को उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है, और ये बहुत पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा है। और बेसिकली ये क्या है, ये ओपन एयर थिएट्रिकल नाट्य प्रदर्शन है, ठीक है। ओपन एयर में नाटक करके इस फेस्टिवल को मनाते हैं लोग, ठीक है, उड़ीसा के लोग, ठीक है, ओपन एयर में, इसको ध्यान रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चंस है वो फेस्टिवल का, हमने बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कर लिया है। आज हम लोग फेस्टिवल के ऑलमोस्ट अराउंड 25 क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग फेस्टिवल के बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आप लोग अपने तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए। रिविजन एक ऐसा चीज है जिसको बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं। आप जब तक रिविजन नहीं करोगे, हमारा माइंड ऐसा डिजाइन नहीं है कि हम चीज़ों को एक बार देख के उसको याद कर लें। इस वीडियोस को भी आप स्पीड बढ़ा के, अभी तो नॉर्मली आप एक बार देख लो, उसके बाद इसको स्पीड बढ़ा के ऑलमोस्ट 1.5x पे या 2x पे करके देख सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आपकी मेमोरीज में चीज़ें बहुत डीपली चली जाएंगी और ये आपको 2-3 महीने तक रहेगा, तो एग्जाम में आपको इससे काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई होप आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। अपने तरफ से हम लोग पूरी एफर्ट लगा रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में फेस्टिवल के बाकी जो क्वेश्चन हैं उसके साथ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।